हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे खूंगा एकेडमी में। दोस्तों, ये जो क्लास है ना, ये क्लास एक्चुअली साइंस की क्लास है। ये साइंस की क्लास नंबर फर्स्ट है जिसमें आज हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो विटामिन्स क्या होती हैं, ये हमें हमारे बॉडी में किन बीमारियों से बचाती हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो विटामिन्स हैं एक्चुअली हमें ये एनर्जी नहीं देती हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देती हैं, एनर्जी नहीं देती हैं। तो ये क्या नहीं करती हैं, डू नॉट गिव्स एनर्जी टू बॉडी। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करती हैं। क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो इनका काम होता है टू प्रिवेंट अगेंस्ट डिसीज। क्या काम होता है साहिल? टू प्रिवेंट अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, ये क्या करती हैं, डिसीज के अगेंस्ट हमारे बॉडी को प्रिवेंट करती है, बचाने का काम करती हैं। जैसे सपोज दैट स्कर्वी रोग है जो दांतों से संबंधित है, हमारे दांतों को खराब करता है, दांतों से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो अगर हम विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो दांतों से ब्लीडिंग होगी, मसूड़ों से खून निकलेगा, यही तो होगा। तो इन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विटामिन्स के सोर्सेस लेने चाहिए। जैसे कि विटामिन सी की कमी हो गई तो उसके लिए नींबू, लेमन, ऑरेंजेस, यानी सिट्रस फ्रूट, जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उनका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस विटामिन की ये क्या करते हैं, हमें रोगों से बचाते हैं। ठीक है, किससे बचाते हैं, डिसीज के अगेंस्ट बचाने का काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम ये कहें कि जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स की डिस्कवरी किसने की थी, विटामिन्स की डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी, तो विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, सी फंक ने की थी। किसने की, सी फंक ने की थी। ये सी फंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन की खोज की, क्या किया, विटामिन की खोज की। ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं, मतलब जो विटामिन्स होते हैं ना बेटा, ये हमें ऊर्जा नहीं देते, हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं। तो ये भी पॉइंट लिख लेंगे, विटामिन्स डू नॉट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करती हैं, ऊर्जा नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आई, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करती हैं। अब देखो, जो विटामिन्स अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो हम मेनली यहाँ पर बेटा दो प्रकार की विटामिन्स को पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक विटामिन कौन सी होती है, जो फैट सॉल्वल होती है, कौन सी सॉल्वल, फैट सॉल्वल। एक होती है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब क्या होता है साहिल? फैट सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, जो फैट में घुल जाए। घुलने का मतलब जानते हो, जैसे आपके घर पे मेहमान आते होंगे तो आप क्या करते हो, गर्मियों में तुरंत शिकंजी बनाते हो। ठीक है, तो शिकंजी के अंदर क्या क्या डालते हो, सबसे पहले तो चीनी डालते हो, डालते हो ना चीनी, चीनी फिर पानी में डिजॉल्व करते हो, उसको घोलते हो, तो चीनी क्या हो जाती है, दिखाई देती है उसमें, नहीं दिखाई देती, इसका मतलब वो प्रॉपर तरीके से उसमें घुल जाती है, सॉल्युबल है। क्यों घुल जाती है, क्योंकि सॉल्युबल है। और अगर हम पानी के अंदर, सुनो इधर, अगर हम पानी के अंदर कंकड़ को या मिट्टी को घोलें तो क्या घुलेगी, नहीं घुलेगी। इसका मतलब क्या है, वो सॉल्युबल नहीं है, बट जो चीनी है या नमक है वो पानी के अंदर सॉल्युबल है। सॉल्युबल का मतलब होता है घुल जाना। ठीक है, इतनी बात समझे। तो विटामिन भी दो प्रकार की होती हैं, कुछ विटामिन पानी के अंदर घुल जाती हैं, किसके अंदर घुल जाती हैं, पानी के, उनको हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल, सॉल्युबल विटामिन, क्या कहते हैं उन्हें, सॉल्युबल विटामिन, इसके हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और कुछ विटामिन होती हैं जो फैट के अंदर घुल जाती हैं, उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। बेटा क्वेश्चंस तो आपके यहीं से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी विटामिन फैट में घुल जाती है, तो आप क्या बताओगे कि कौन कौन सी विटामिन फैट सॉल्युबल होती हैं, तो आप बताओगे बेटा कि ये वाले विटामिन जो मैं लिख रहा हूँ, विटामिन देखो, के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, कौन कौन सी विटामिन, विटामिन के, बोलो जल्दी से, विटामिन के,
दिख रहा है ना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारी जितनी सारी विटामिन्स होती हैं ये कहाँ घुल जाती हैं बेटा, ये घुल जाती हैं आपके फैट में। तो इसको हम विटामिन पूरा लिखकर ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब विटामिन है, ये विटामिन, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब इसको पढ़ो जरा क्या लिखा, अगर आपको एग्जाम के हॉल में बैठे हो, आपको एग्जाम हॉल में बैठे हो अगर याद नहीं आए ना तो कैसे याद करोगे इसको। देखो कीड़ा लिखा है, कीड़ा मैसेज लैंग्वेज पढ़ते हो ना, क्या लिखा हुआ है कीड़ा, तो कीड़ा मतलब, कीड़ा का मतलब ये हुआ विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे किसमें सॉल्युबल हैं, फैट में सॉल्युबल हैं। वाटर में सॉल्युबल कौन कौन सी होती हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो होती हैं ये किसमें सॉल्युबल होती हैं, फैट के अंदर, सॉरी वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, किसके अंदर सॉल्युबल होती है, वाटर। अच्छा देखो बी के अंतर्गत जितनी सारी विटामिन आएंगी, बी के अंतर्गत जितनी सारी विटामिन आएंगी इस बी के अंतर्गत, वो सारी की सारी विटामिन किसमें सॉल्युबल होंगी, वाटर में, चाहे वो बी वन हो, चाहे वो बी टू हो, बी थ्री हो, ठीक है, बी फोर हो, बी फाइव हो, ठीक है, बी सिक्स हो, ठीक है, बी सेवन हो, चाहे बी सेवन हो, बी नाइन हो, ठीक है, बी ट्वेल्व हो, जितनी भी विटामिन बी के अंतर्गत आएंगे ये सारी की सारी विटामिन किसमें सॉल्युबल होंगी, वाटर में सॉल्युबल होंगी, किसमें सॉल्युबल होंगी, वाटर में सॉल्युबल होंगी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होती हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी, बी के अंतर्गत जितनी सारी विटामिन आएंगी वो, और विटामिन सी, ये सारे किसमें सॉल्युबल हैं, वाटर में सॉल्युबल। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए साहिल बेटा, ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सॉल्युबल इन फैट, अब देखो, अब ऑप्शन देखना, पहला विटामिन ए, बी से देखना विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है, सी ऑप्शन विटामिन सी, और डी ऑप्शन विटामिन बी सेवन। तो क्या आप लगाओगे, क्या ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, बोलो साहिल, अरे क्या नाम, विकल्प कौन सा, ए, ए इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ए देखो इसमें पाया जा रहा है ना, यानी कि ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है कौन कौन सी, ए। अच्छा बी वाली मैंने बताया, बी और सी किसमें सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल, तो हमने फैट सॉल्युबल विटामिन पूछा था। तो ये बात समझ में आई, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया आपने, तो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। चलो आगे बढ़े, अब देखो उसके पहले मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा, ये देखो एक अच्छा, कितना अच्छा प्यारा सा फिगर है, क्या आप लोग खाते हो ये सब, अरे बोलो खाते हो क्या, इसमें से क्या क्या खाते हो, अरे इसमें से क्या क्या खाते हो, ये है फिश, ये क्या बेटा है, ये फिश है, ये क्या है बेटा, फिश है, इसके बाद में ये क्या है, मीट, अरे कौन कौन मीट खाता है यहाँ पे, सारे खाते हैं, ये मीट है, मीट किसका, ठीक है, ये क्या है, लेमन है, लेमन है, ये क्या है बेटा, ये देखो आपका कैबेज है, ठीक है, ये स्पिंच है, ये पी है, आंवला है, ठीक है, पोटैटो है, ठीक है, ये पपाया है, वाटरमेलन भी है, ग्रेप्स भी हैं, ठीक है, तो और ये क्या है आपके, टोमेटो हैं, है ना, देखो बनाना भी दे रखा है, मैंगो भी दे रखा है, आपके ड्राई फ्रूट्स भी दे रखे हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ मिल्क, क्या है, मिल्क, मतलब जितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये आपका ऑयल है, ये एप्पल है, ठीक है, सभी जान रहे ना, इसमें पहचान पा रहे हो ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें खाते हैं, समझ रहे हैं, अगर हम ये सारी चीज़ें खाते हैं तो इनसे हमें क्या मिलती है, विटामिन्स मिलती हैं, क्या मिलती हैं, विटामिन्स, लेकिन हम कौन सी चीज़ खाएं उससे हमें कौन सी विटामिन मिलेगी। तो देखो अब विटामिन सी किससे मिलती है, आंवला से मिलती है, क्योंकि ये खट्टा सबसे रिचेस्ट सोर्स है, सबसे अच्छा स्रोत होता है, कौन, आंवला होता है, आंवला क्या है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। टोमेटो जो होता है ये भी विटामिन सी का सोर्स होता है। ये जो मिल्क है ना, मिल्क वैसे तो विटामिन इसमें ए पाई जाती है, इसमें विटामिन सी छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्ट विटामिन सी, ऑल विटामिन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क,
विटामिन सी छोड़ के। क्वेश्चन पूछा जाता है विच विटामिन डू नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, तो आंसर क्या बताओगे बेटा? विटामिन सी। विटामिन सी डज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क, मिल्क में नहीं पाई जाती। ठीक है, अब देखो ये फिर कुछ इसमें, अगर ये सारी चीजें हम खाते हैं तो हमें विटामिन मिलती हैं। ठीक है, हम ये सारी चीजें खाते हैं तो हमें क्या मिलती हैं? विटामिन मिलती हैं। ठीक है, तो अब पहले इनके केमिकल्स नेम देख लेते हैं। तो विटामिन एंड इट्स केमिकल नेम, हेडिंग डाल लो, यहां पर हेडिंग डाल लो विटामिन, विटामिन एंड इट्स केमिकल नेम। ठीक है, विटामिन एंड इट्स केमिकल नेम, विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम, है ना। जैसे हमने कहा विटामिन का ये लिखना है, आपको पूछा जाता है विटामिन, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, तो लिखो रेटिनॉल, रेटिनॉल। और इससे डिसीज कौन सी होती है? बीमारी। यहां पर लिख लिया गया डिसीजेस, डिसीज। तो मैं डिसीज को अलग कलर से लिख देता हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो डिसीज, डिसीज लिख लेना यहाँ पर। हाँ विटामिन, तो देखो सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ पहले भाई, इसको एक वो बना देता हूँ, चार्ट बना देता हूँ, ये चार्ट के हिसाब से आप लोग करिएगा। ठीक है, मैं एक चार्ट ही बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उस चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, समझ रहे हैं। पहला पहले हेडिंग डालना यहाँ पर विटामिन, क्या डालना? विटामिन। फिर दूसरे में डालना केमिकल नेम, विटामिन उनके केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल नेम। ठीक है, इसके बाद क्या डालोगे हेडिंग? सुनो, इसके बाद क्या डालोगे? डिसीज, डिसीज। ठीक है, डिसीज। जैसे कि हमने कहा विटामिन ए, केमिकल नेम रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। डिसीज कौन सी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। कौन सी रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये चार्ट को प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बताओ विटामिन बी, जो आपने क्वेश्चन पूछे होंगे विटामिन बी, विटामिन बी का बोलो। सारा सारा मैंने पढ़ाया बेटा, जल्दी से बोलो क्या होता है? थायमिन, थायमिन। क्या होता है? थायमिन। कौन सा रोग होता है? बेरी, बेरी। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे हमने कहा विटामिन ए की कमी से का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस में आपको रात में दिखाई नहीं देगा, किस में नहीं दिखाई देगा? धुंधला दिखता है, मतलब इसका मतलब है धुंधला दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देता है बट धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देता है, सुबह में सही दिखाई देगा। ठीक है, रात में तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, तो अगर धुंधला दिखाई तो इसमें मतलब विटामिन ए की कमी हो गई। तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें गाजर खाना चाहिए, कैरेट, दूध पीना चाहिए, और क्या क्या, मीट खाओ, मछली, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सोर्सेस हैं किसके? विटामिन ए के। और सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? कैरेट, मिल्क, गाजर, दूध, अंडा, ये सारी चीज़ें खाओगे तो उसे विटामिन ए मिलेगी। ठीक है, चलो विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। इसमें जो दांत होते हैं ना, दांत काले हो जाएंगे आपके, दांत कैसे हो जाएंगे? काले, मसूड़ों के बीच एक काली लाइनिंग आ जाएगी तो काले हो जाएंगे। विटामिन सी इसके बोलते हैं, इसे इसका केमिकल नाम क्या है? हाँ बेटा, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ बेटा, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, लिख लो एस्कॉर्बिक एसिड। लिख लिया? ठीक है, तो विटामिन सी की वजह से कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन डी की वजह से कौन सा होता है? इसका एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल, इसका केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो लिख लो एस्कॉर्बिक एसिड।
एस्कॉर्बिक एसिड, बातचीत नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो डिसीज होती है वो क्या होती है, एस्कर्वी, क्या होती है, एस्कर्वी, तो लिख लो एस्कर्वी। एस्कर्वी डिसीज कौन सी होगी बेटा, एस्कर्वी होगी। चलो विटामिन डी की कमी से देख लेते हैं कौन सा होगा, तो लिखो विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी का होता है कैल्सिफेरॉल, क्या होता है कैल्सी, बातचीत नहीं, फेरॉल, कैल्सिफेरॉल, और कैल्सिफेरॉल की वजह से या विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स, कौन सा होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है। अब स्कर्वी में ना दांतों से ब्लीडिंग होती है, स्कर्वी डिसीज में दांतों से खून निकलता है, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, देखना जरा, जो स्कर्वी डिसीज है उससे क्या निकलती है, दांतों से ब्लीडिंग होती है, देखो मैंने उसमें देखो भी उसमें दे रखा है, अब आप लोग इमेज देखो, ये देखो ऐसे खून निकलता है, ये दांतों से ब्लीडिंग होती है, जम्स सॉकेट ढीले हो जाते हैं, देखो खून निकल रहा है यहाँ से, तो ऐसे दांतों से खून निकलता है, ये किसकी वजह से होता है, विटामिन, विटामिन सी की वजह से, किसकी वजह से, स्कर्वी की वजह से, और विटामिन डी की वजह से रेटिनो होता है, रिकेट्स होता है, क्या होता है बेटा, रिकेट्स होता है। देखो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं ऐसे, बचपन में हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, ये देखो टेढ़ी हो गई, ट्विस्टेड हो गई, ट्विस्टेड बोन, क्या हो जाती हैं, ट्विस्टेड बोन, बोन ट्विस्टेड हो जाती हैं यानी टेढ़ी हो जाती हैं, बोन क्या हो जाती है बेटा, टेढ़ी हो जाती हैं, ट्विस्टेड हो जाती हैं, तो बेटा अब देखो विटामिन डी रिकेट्स होता है जिसकी वजह से हड्डियां हमारी क्या हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं बच्चों के अंदर। इसके लिए बेटा जो सन सन रेज है यानी सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, जो सनलाइट होती है ना, ये इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जब सन की लाइट पड़ती है तो वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और क्या खाना चाहिए, अखरोट वगैरह खाना चाहिए, जो आपके ये नट्स होते हैं इनको खाना चाहिए, अंकुरित अनाज खाने चाहिए, ठीक है। ये विटामिन डी क्या करता है हमारे, सॉरी सनलाइट क्या करता है हमारे शरीर में विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है। हरी सब्जियां खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, ठीक है, इतनी बातें समझ आई। और विटामिन ई, ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो सेक्स ग्लैंड हैं वो काम नहीं करती हैं, यानी कि जो सेक्स ग्लैंड को अफेक्ट करता है, अफेक्ट सेक्स ग्लैंड, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, इनको अफेक्ट करता है, ठीक है, अफेक्ट टेस्ट गोनेट्स बोल दे सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसको बांझपन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट लिखना, अफेक्ट ग्लैंड, ठीक है, सेक्स ग्लैंड को अफेक्ट करता है। और विटामिन के, विटामिन के का होता है फिल्लोक्विनोन, फिल्लो क्यूनोन, फिलोक्विनोन, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड का थक, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता है, डू नॉट क्लॉट ब्लड, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, नहीं होती, किसकी वजह से, अगर विटामिन के की कमी हो गई, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगी, किसकी क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, तो खून का थक्का नहीं बनेगा, जैसे आपके सिंगल कट लग गया तो ब्लीडिंग होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और उसका थक्का नहीं बनेगा, यानी कि क्लॉट नहीं होगा। तो ये बातें समझ में, तो इनको जल्दी से नोट कर लो, ये केमिकल्स नेम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता देता, इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए कैरेट, मिल्क, ठीक है, और मीट, फिश, एग, ये सारे सोर्सेस हैं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है बेटा, थायमिन होता, इसका केमिकल नेम क्या है, थायमिन है। रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है, दांतों में ब्लैक लाइनिंग आ जाती है, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इससे रोग कौन सा होगा, एस्कर्वी होगा। विटामिन डी की कमी से, अच्छा एस्कर्वी को मैंने बताया, दांतों से ब्लीडिंग होना, खून आना, है ना, सॉकेट का ढीला हो जाना, ये सारी चीजें होती हैं। विटामिन डी की कमी से कैल्सिफेरॉल, विटामिन सी की कमी से नहीं बेटा, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सिफेरॉल। बीमारी कौन सी होती है, रिकेट्स, डिसीज कॉज्ड बाय विटामिन डी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स, ठीक है। विटामिन ई की टोकोफेरॉल, इसमें जो हमारी जो सेक्स ग्लैंड है वो अफेक्ट हो जाती हैं, वो काम नहीं करती हैं, जब वो काम नहीं, हाँ बोलो, जिसको एंटी स्टेरिलिटी बोलते हैं, मैंने लिखाया भी था एंटी स्टेरिलिटी। और विटामिन के
अगर की कमी हो जाएगी तो उस तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। इसका केमिकल नेम होता है फिलोक्यूनॉन। क्या होता है? फिलोक्यूनॉन। ये बातें समझ आई सभी को? बोलो। अरे अभी कुछ और पूछना? बोलो। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर पूछा जाए, लिख लो, richest source of विटामिन ए, तो आप लोग क्या लगाओगे सबसे ज्यादा? तो आप कैरेट, ठीक है, या फिर मिल्क, या फिर एग, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर कैरेट है, तो इसका ये ज्यादा सही है, ठीक है, समझ आ रहा है। दूसरा पूछा जाए, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखो, richest source of, richest का मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है, richest source of विटामिन सी, तो ये क्या होता है? आंवला। क्या होता है? आंवला, लेमन, ऑरेंज, ये सारी चीजें होते हैं। तो लेकिन आप एग्जाम क्या लगा के आओगे? आंवला। इन्हें बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे पदार्थ। ज्यादातर कौन से होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं। ये लिख रहे हो ना अपनी कॉपी पे, सब चीजों को लिखना है, एक एक चीज को लिखना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए रिचेस, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है बेटा? क्वेश्चन पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन सनरेज। सनरेज में कौन सी होती है? तो आंसर क्या आएगा? विटामिन कौन सी? विटामिन डी। सनरेज में कौन सी विटामिन होती है बेटा? विटामिन डी होती है। कौन सी होती है? विटामिन डी। इनको अपनी कॉपी पर एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखना है, यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अरे आ रहा समझ? समझ आ रहा सभी को? इसके बाद लिख लो इसके, ये हमारी अकेडमी खुंगा अकेडमी, ठीक है। अगर चलो, अगर आपसे पूछा जाए अच्छा, अगर पूछा जाए कि बताइए, हाँ, विटामिन बी 12 का केमिकल नेम क्या है? तो लिखो, केमिकल नेम ऑफ विटामिन, बोलो, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 क्या होता है? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है किसका? विटामिन बी 12 का केमिकल नेम। और इसकी कमी से डिसीज कौन सी होती है? तो विटामिन बी 12, बी 12 विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज होती है? डिसीज कौन सी होती है बेटा? डिसीज होती है एनीमिया। इसमें क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है बेटा? खून की कमी हो जाती है। किसकी वजह से? विटामिन बी 12 की कमी से। इसके बाद पूछा जाता है विच एलिमेंट फाउंड इन या प्रेजेंट इन विटामिन बी 12, ठीक है। विटामिन बी 12 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है? विटामिन बी 12, ठीक है बेटा, कौन सा? बी 12। तो बी 12 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो कौन सा? कोबाल्ट। कौन सा एलिमेंट? कोबाल्ट। कैसे? देखो, साइनो कोबाला, तो यहां पर क्या रहा? कोबाला मतलब कोबाल्ट, तो कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। कौन सा मेटल पाया जाता है? कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। इतनी बातें समझ आ रही हैं? ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, है ना? और ठीक है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। यूरिन में कौन सी, जो ह्यूमन यूरिन होता है, मतलब मानव का मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। कौन सी? विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? सी पाई जाती है,
ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच टाइप ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन यूरिन, तो आंसर क्या आएगा बेटा, विटामिन सी। कौन सी विटामिन, ठीक है, और ये ज्यादातर खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा रहा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, असाइनमेंट। अब मैंने एक शीट आपको दी है, इसको सॉल्व करिए, है ना। चलो अब देखो, ये कुछ ये विटामिन बी वन बी टू के वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन आप देख लो इनके कुछ आपको सोर्सेस दे रखे हैं। जैसे कि जो ये सारी वाटर सॉल्युबल, मैंने बताया ना विटामिन बी वाली जितनी सारी होती है वो वाटर सॉल्युबल है। जैसे विटामिन बी वन के क्या क्या सोर्सेस हैं, वाटरमेलन, एकॉन, ये सब दे रखे हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिए, अदरवाइज ये आपके आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब ये असाइनमेंट हम लोग करेंगे, जल्दी से असाइनमेंट करो। ये क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, इसका आंसर साहिल बताएंगे जल्दी से। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, खड़े हो, आंसर बताओ इसका क्या होता है बेटा, रेटिनॉल। गुड, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल, तो लिख लो रेटिनॉल, क्या होता है रेटिनॉल। सभी बच्चे ने, सभी बच्चों ने रेटिनॉल लिखा। अब देखो ये एसाइन, हाँ विटामिन बी ट्वेल्व बेटा, कोबाल्ट, कौन सा, कोबाल्ट। ठीक है, तो ये असाइनमेंट करो जल्दी से, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, तो रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। सेकंड क्वेश्चन ये बताएंगे जल्दी से, विकल्प, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। गुड, क्या होता है बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता, ठीक है, यानी दिखाई देना कम हो जाता है, कम दिखाई देता है, तो इसका आंसर आएगा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, ब्लाइंडनेस, ये नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इसका आंसर बताओ, विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स। गुड, क्या होता है यार, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, रिकेट्स, हड्डियां ट्विस्टेड हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, ये सारी चीजें भी हमने पढ़ा रखी हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, बेरी बेरी डिसीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बेरी बेरी जो डिसीज है वो किसकी डिफिशियंसी होती है, विटामिन बी। गुड, और विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है बेटा, बोलो 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 विकल्प, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी, थायामीन, थायमीन, क्या होता है, थायमीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन इज केमिकल नेम ऑफ, किसका है, विटामिन, पूरा आंसर बोला करो, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व, अरे आ रहे ना आंसर इनके। चलो क्वेश्चन क्या है, विच मेटल प्रेजेंट इन विटामिन बी ट्वेल्व, कौन सा मेटल विटामिन बी ट्वेल्व में पाया जाता है, कोबाल्ट, शाबाश, कौन सा, कोबाल्ट, कोबाल्ट मेटल, कौन सा मेटल, कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए, नेम एनी थ्री फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन, यही चार फैट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन उसने तीन पूछी थी, आपने चार बता दिए, गुड। तो ये सारी विटामिन कैसी हैं, ये सारी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, कैसी हैं, विटामिन है, मतलब फैट में सॉल्युबल हो जाती हैं, कैसी हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में या फैट में डिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन तक किसी को डाउट, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको ना समझ आया हो और आपने इसका आंसर नहीं दिया हो, जल्दी से बताओ, अगर कुछ पूछना है तो इसमें पूछो बेटा। एक नंबर, अच्छा एक नंबर, तो एट नंबर अभी किया था हमने, अब दिखा रहा हूँ एट नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर एट लिखा है, जियोपैथिलमिया डिसीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, तो जियोपैथिलमिया ये मैंने लिखा रखा है बेटा, ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ये किसकी वजह से, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी के कारण ये रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन है, और क्वेश्चन नंबर नाइन करिए, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जल्दी से करो। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? क्या होता है बेटा? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम है, क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है बेटा? टोकोफेरॉल। तो हम ये कह सकते हैं ना, टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। अरे बोलो ना, टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कैरेट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन। जो कैरेट होता है वो किसका रिचेस्ट सोर्स है? विटामिन, विटामिन ए का सबसे रिचेस्ट सोर्स है। तो हमें क्या खाना चाहिए? विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो जाती है, कैरेट, मिल्क, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, पीना, दूध पीना चाहिए, गाजर खानी चाहिए, गाजर का हलवा खाना चाहिए। इसकी वजह से हमारे आंखों में रोशनी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन यूरिन। अभी अभी कराया, जस्ट अभी कराया था। कौन सी बेटा? विटामिन, विटामिन सी। शाबाश साहिल, अच्छा बच्चा है, विटामिन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 क्या, पर खड़े होकर इसका जवाब दो। एनीमिया डिसीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। किसकी वजह से होता है एनीमिया डिसीज? अभी हमने बताया था विटामिन, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 की वजह से कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये कौन सा रोग है? एनीमिया रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ। सोयाबीन किसका सबसे अच्छा स्रोत है? किसमें? सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बेटा? प्रोटीन। कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या पाया जाता है बेटा? बात नहीं, सोयाबीन में। अच्छा ये B12 नहीं दिख रहा है, मैं अच्छा इधर लिख देता हूँ B12, वही मैं इधर लिख देता हूँ B12, ये यहाँ पर लिख देता हूँ विटामिन B12, ये B12, ठीक है, ये विटामिन B12 है। चलो, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बेटा? प्रोटीन पाया जाता है। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स गिव क्विक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो सबसे जल्दी एनर्जी कौन दे देता है? क्विक एनर्जी। आपको पता है कि जब हम कभी दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो कौन देता है? तो हम क्या पी लेते हैं? ग्लूकोन डी पी लेते हैं, तो ग्लूकोज देता है। कौन दे देता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। उसे फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 करो, और 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? आंवला, ये आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन। शाबाश, किसका होता है? तो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स है। तो इसका आंसर आएगा विटामिन सी, विटामिन सी। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? विटामिन सी। आंवला सबसे ज्यादा किसका रिचेस्ट सोर्स है? विटामिन सी का है। और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? विच टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन एग? विटामिन ए। विच टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन एग? विटामिन ए। नहीं, विटामिन पूछे नहीं है, प्रोटीन पूछा है। ठीक है, तो कौन सी? एल्ब्यूमिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, कौन सी पाई जाती है? एल्ब्यूमिन। तो लिख लो एल्ब्यूमिन, दिख रहा है ना सभी को? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। तो लिखो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन बताना है आपको। गुड, विटामिन बी, बी के अंतर्गत, इसी को हम बी कॉम्प्लेक्स लिख दे ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि बी के अंतर्गत जितनी सारी विटामिन आती है वो सारी सॉल्युबल होती है वाटर में, और विटामिन
सी आल्सो विटामिन सी। तो विटामिन बी, विटामिन बी के अंतर्गत जितनी सारी आएंगी वो और विटामिन सी, ये दोनों ये सारे किसमें सॉल्युबल हैं, फैट सॉरी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बोलो जल्दी से, मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैसीन प्रोटीन, कौन सी, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है मिल्क के अंदर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला है, हाँ, केसीन प्रोटीन, प्रोटीन नेम द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, लैक्टो मीटर, किसे मापा जाता है, लैक्टोमीटर। आपने दूध वालों को देखा होगा, वो उसमें पानी अगर मिला दो ना तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जेब में लेकर घूमते हैं। नहीं तो वो उस लैक्टोमीटर के थ्रू उसको माप लेते हैं, ठीक है, वो लैक्टोमीटर। अगला है, विच विटामिन आल्सो नोन एज एंटीबायोटिक विटामिन, एंटीबायोटिक विटामिन किसे कहते हैं, तो ये एंटीबायोटिक विटामिन होती है विटामिन सी, कौन सी, विटामिन सी, विटामिन सी को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक विटामिन कहते हैं, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने सॉल्व किए, अब बताओ आपके कितने सही निकले इसमें से, साहिल कितने सही हैं, सारे सारे आंसर आ रहे थे इन सब क्वेश्चंस के, 18 सही हैं, शाबाश। साहिल दो कौन से गलत हो गए आपके, हाँ, बीस टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, बेटा केसीन प्रोटीन, तो केसीन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। आपके विकल्प कितने सही बेटा, दो गलत हैं आपके, ठीक है, मतलब 18 सही है, तो 18/20 मतलब 20 में 18। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर में कल मैं करूंगा, और इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ये सीट लेके जाइए, इसको पढ़ के लाना है, एक एक क्वेश्चंस मैं कल पूछूंगा और आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।